Welcome to Webathon season 11, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्री इंडस्ट कॉम्पनसेशन प्लान और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं जैसे मैंने कहा ओपन करके मैंने आपको आ, समझाया था कि दिस इज पावर ऑफ इंडस्टि कॉम्पनसेशन प्लान जो जब आप, आपके हाथों में इंडस्ट विवाह कॉम्पनसेशन प्लान है दुनिया की कोई भी कंपनी का जो प्लान उसके बराबर बिल्कुल नहीं बन सकता है तो आप जब कॉन्फिडेंटली मार्केट में जाएंगे तो डेफिनेटली इस प्लान को समझाएंगे और समझाने के लिए जो एजुकेशन चाहिए उसी की हम लोग यहां पर प्रयास कर रहे हैं और जो लोग आज कनेक्टेड हैं ऑल ऑल अक्रॉस इंडिया Uh, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक या अरुणाचल से लेकर कन्याकुमारी तक कश्मीर टू लेकर uh, यहां पर कलकत्ता तक so, सभी लोग जितने भी लोग देश के अलग अलग स्टेट से यहां पर कनेक्टेड हैं सभी लोगों को मैं वेलकम करना चाहूंगा तय दिल से स्वागत करना चाहूंगा वेलकम टू दिस वंडरफुल प्रोग्राम और दोस्तों कॉम्पनसेशन प्लान की हम लोग बात कर रहे थे जब इंडस्ट्री ऑफ कॉम्पनसेशन प्लान जैसे लेट मी शो यू द रैंक्स फर्स्ट यस इज इट एडवांस्ड

आप अगर अगर हो सकता है तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखिए दिस इज वेरी गुड ये रैंक्स जो है ये रैंक्स है कंपनी के कॉम्पेंसेशन प्लान के अंदर जो स्टार से लेकर क्राउन ब्लैक डायमंड एम्बेसडर तक यहां पर आप देख पा रहे हैं दीज आर दिक्सटीन रैंक्स सोलह रैंक्स यहां पर है स्टार से लेकर स्टार टू ये स्टार टू हंड्रेड लेकर सॉरी ये गलती है मेरी सो स्टार टू फिफ्टी है नॉट स्टार टू हंड्रेड सो दिस इज वन सेकेंडर फ्रेंड्स गलती मेरी हुई है टू फिफ्टी स्टार फाइव हंड्रेड स्टार वन थाउजेंड रूबी एग्जीक्यूटिव पर्ल एग्जीक्यूटिव एमरल्ड एग्जीक्यूटिव सफायर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डायमंड एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड ब्लैक डायमंड डायमंडर और उसके बाद है रॉयल ब्लैक डायमंड डायमंडर इंपीरियल ब्लैक डायमंड डायमंडर एंड क्राउन ब्लैक डायमंड डायमंडर सो दीज आर द रैंक्स जो इस कंपनी के अंदर रैंक्स है जो आपको यहां पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर और चलिए रैंक्स का कुछ इंपॉर्टेंस बता देता हूं इंडस विवा बिजनेस के अंदर जब आप इन्वॉल्व होते हैं आपको हमेशा अपना नजर अपना फोकस रखना पड़ेगा आपके ग्रोथ पर आपके ग्रोथ पर तो कैसे आप अपने ग्रोथ पर नजर रख सकते हैं उस पर आप फोकस कैसे रह सकते हैं वेरी सिंपल दोस्तों आज आपका जो भी रैंक है शायद हमारे बीच में ऐसे भी लोग होंगे जिनका अभी तक इंडस्ट्री विवा का जो वीबीओ स्टेटस अभी तक नहीं मिला हो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल रैंक्स का एग्जांपल लूं तो आप अभी भी विवा रिटेलर हैं विवा बिजनेस uh, ओनर बनना है तो आपको 12 प्रोडक्ट रिटेल करके फिर आपको स्टार रैंक हासिल करना पड़ेगा जहां से आप अपने रैंक्स के और नेक्स्ट रैंक्स को आप अचीव करना शुरू कर सकते हैं तो स्टार रैंक जो है वो आपका पहला एक रैंक है जिसके अंदर आपको स्टेटस दिया जाएगा एज ए वीवा बिजनेस ओनर स्टार रैंक से पहले आप विवा बिजनेस ओनर बिल्कुल नहीं बन सकते हैं उसका कारण यही है क्योंकि व्हेन यू आर अ अवा रिटेलर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स का रिटेलिंग कर सकते हैं रिटेल प्रॉफिट जो है इंडस्ट्री और कंपनी के अंदर वो आप कमा सकते हैं दैट्स ऑल लेकिन अगर आप विवा बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आप डेवलप करना चाहेंगे तो आपको 12 प्रोडक्ट्स का सेल्स यानी रिटेल कंप्लीट करना पड़ेगा 12 प्रोडक्ट्स और उस 12 प्रोडक्ट की रिटेलिंग के जरिए आप बन सकते हैं विवा बिजनेस ओनर जब आप विवाह बिजनेस ओनर बनते हैं कहलाते हैं अपने आपको एज ए वीबीओ एज ए स्टार रैंक अचीवर वहां से एक कमाल का एक चीज होता है दोस्तों आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन कर सकते हैं यानी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए लोगों को नए साथियों को अपने साथ ऑनबोर्ड कर सकते हैं एनरोल कर सकते हैं अगर मैं टेक्निकली कहूं स्पॉन्सर करना शुरू कर सकते हैं जब आप VBO यानी स्टार रैंक अचीव करेंगे तो आप आ, लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनरोल करना शुरू कर सकते हैं सॉरी सो सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंट बजट में यह कहा कि हमें स्टूडेंट्स जो भी हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उन्हें ऑर्गेनाइजेशंस कंपनियों के अंदर एक छोटा सा एक पार्ट बनाना पड़ेगा यानी उनको इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री रेडी वो टर्मिनोलॉजी जो है इंडस्ट्री रेडी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया सारी कंपनियों को यह आदेश दिया कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनियों के अंदर स्टूडेंट्स को भी अपना हिस्सा बना ले और उनको इंडस्ट्री रेडी स्टेटस यानी काम करने के लिए इंडस्ट्री में जाकर रियल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस अनुभव पाने पा, पाते हुए उनको इंडस्ट्री के लिए तैयार करना ये कंपनियों की जिम्मेवारी है तो इसी बेसिस पर और कंपनी ने लास्ट वन वन एंड हाफ मंथ्स एगो उन्होंने एक निर्णय लिया कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो भी इंडस विवा का हिस्सा अब बन सकते हैं और इसके अंदर एक सुविधा एक ऑप्शन उनके लिए कंपनी ने लाया तो अगर कोई स्टूडेंट इंडस विवा के अंदर एनरोल कर लेते हैं उन्हें अपना यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो भी है वो प्रूफ कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा ये अभी के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी uh, स्टूडेंट्स के लिए है प्री यूनिवर्सिटी यानी पीडीसी या पीयूसी जो कहते हैं हम लोग टेन प्लस वन एंड प्लस टू उनको अभी तक इसके अंदर एनरोल करने का सुविधा कंपनी ने नहीं दिया हुआ है लेकिन डिग्री स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उनको एनरोल करने के लिए कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है तो एडवांटेज यही है दोस्तों स्टूडेंट्स यदि एनरोल कर लेते हैं उनको यानी अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने का मौका जो है वो बारह प्रोडक्ट रिटेल करने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है उसके लिए वो जब स्टूडेंट एनरोल कर लेते हैं इंडस विवाह के अंदर सिर्फ एक 25 पीवी का एक प्रोडक्ट का मात्र एक प्रोडक्ट के ऑर्डर प्लेस करते हुए उनकी जीनियोलॉजी खुलेगी तो ऑटोमेटिकली वो अपने बाकी साथियों को एनरोल कर सकते हैं ये एक स्पेशल इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कंपनी की तरफ से लाया गया है इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं चलिए इसका एक सिंपल एक इनपुट भी देना चाहूंगा आप कहीं पर जहां पर भी आपको लगता है कि स्टूडेंट्स हैं हो सकता है किसी कोचिंग सेंटर पर या कहीं किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं वहां पर जो भी मुखिया हैं जो डीन या रिक्रूटमेंट सेल कह कहते हैं या कोई कोई हो, हो, होता है कि ह्यूमन रिसोर्स सेल होता है वहां पर आप सीधा जाकर कंपनियों मतलब कॉलेज uh, के जो अथॉरिटीज uh, हैं uh, जो uh, वहां के जो इंचार्ज जो रहते हैं उनसे आप सीधा बात कर सकते हैं और कह सकते हैं हम इंडस विवा कंपनी से हैं और हम आपके स्टूडेंट्स को एनरोल कर लेना चाहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाना चाहेंगे एज एन इंटर्नशिप प्रोग्राम उनको यहां पर लीडरशिप सेलिंग स्किल्स टीम वर्क टीम मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा पैसा भी कमाने का एक ऑप्शन हम देने वाले हैं ये जब आप कहेंगे कॉलेजेस में दोस्तों लोग तो टूट पड़ेंगे आप पर स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स की लाइन लगेगी और आप एक एक करके उन स्टूडेंट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनरोल करना शुरू कर सकते हैं हो सकता है आप ग्रुप्स में उनको जाकर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं वन टू वन पर उनको आप अपने घर पर या कहीं पर उनको इन्वाइट करके कहीं जहां पर भी आपको कंफर्टेबल लगता है वन ऑन वन पे आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं ये एक बहुत ही बढ़िया एक ओपनिंग है जो आज की तारीख में अवेलेबल है तो यहां पर एक चीज याद रखिए स्टूडेंट 25 पीवी का एक प्रोडक्ट का ऑर्डर लाने से स्टार नहीं बनेंगे वो बनेंगे वीबीओ यानी उनका जीनियोलॉजी खुलेगा उनको भी स्टार बनने के लिए 12 प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करना ही करना है हा एज स्टूडेंट्स स्पेशल प्रिविलेज उनके लिए दिया गया है कि एक मात्र एक प्रोडक्ट ऑर्डर लाने से वो अपनी जीनियोलॉजी का बीबीओ स्टेटस हासिल कर सकते हैं और उनके साथ बाकी अपने साथियों को भी एनरोल कर सकते हैं सो so, दोस्तों ऑल ओवर इंडिया डेढ़ करोड़ ग्रेजुएट्स हर साल बाहर निकलते हैं वन पॉइंट फाइव करोड़ ग्रेजुएट्स डेटा कहता है यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं और इन लोगों को एक्चुअली मार्केट में जाकर नौकरी ढूंढना नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट गवर्नमेंट नौकरी या प्राइवेट नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है और उससे ज्यादा वो कभी कभी रियल लाइफ को फेस करने के लिए वो तैयार नहीं होते तो उनको अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस विवाह के प्लेटफॉर्म के जरिए यदि हम उन्हें तैयार कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर लाने के लिए और टीम मैनेजमेंट टीम बिल्डिंग और और फाइनेंशियल uh, इंडिपेंडेंस uh, भी उनको यहां पर हम दिला सकते हैं अगर ये सब कुछ पांच छह महीनों का अनुभव अगर वो पाते हैं हमारे साथ वो इंडस्ट्री और बिजनेस को कंटिन्यू करे या ना करे ये हमें तो पता नहीं लेकिन दोस्तों उनको हम एक प्लेटफॉर्म तो दे सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपने इंटरव्यूज फ्यूचर जो भी जिस इंडस्ट्री के अंदर वो जाना चाहते हैं कोई अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं कोई मार्केटिंग में जाना चाहते हैं कोई कोई बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उन्हें हम यहां पर इंडस विवा का जो शानदार वाइब्रेंट बीवा एजुकेशन सिस्टम है इस सिस्टम के माध्यम से हम उन्हें तैयार करेंगे उस रियल वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए जिसको गवर्नमेंट ने कहा इंडस्ट्री रेडी हो सकता है दोस्तों देखिए इट्स ऑलवेज इट्स ऑलवेज लाइक वो कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता मत करो ये एक ऑप्शन कंपनी ने दिया हुआ है तो हमें क्या करना है कॉलेजेस के अंदर सीधा जाना चाहिए आप में से कोई भी किसी भी कॉलेज के अंदर जा सकते हैं हाँ अगर आपके साथ आपके अप्लाइंग लीडर्स जो अनुभवशाली हैं इंडस्ट्री को लेकर जिनको ज्यादा नॉलेज है वैसे अगर कोई पर्ल या रूबी अगर कोई एमरल्ड सफायर अगर आपके अपलाइन में कोई डायमंड भी है उन्हें भी आप इनवाइट कर सकते हैं सीधा जाकर कॉलेज के मुखिया जो है कॉलेज के जो अथॉरिटीज हैं उनसे बात करवाइए और इस सुविधा का पूरा पूरा बेनिफिट पूरा फायदा आप उठाइए इसकी जानकारी अगर आपको और चाहिए अधिक जानकारी चाहिए तो आपके से आज ही फोन मिलाइए उनसे पूछिए सर मैं स्टूडेंट्स का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कंपनी की तरफ से अभी ओपन हुआ है उस इंटर्नशिप का पूरा फायदा उठाना चाहता हूं मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जो हरिप्रसाद बैकल जी हैं जो मैंगलोर से हैं एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड उनके टीम ने ऑलरेडी ये काम शुरू कर लिया उन्होंने कॉलेज को अप्रोच करना शुरू किया और वहां से सारे लोग भी कर चुके हैं और ये गुड uh, न्यूज है टू वीक्स टू थ्री वीक्स एगो पंद्रह बीस दिन पहले मैं गया था मैंगलोर एक आरटीपी के लिए उस आर टीपी के अंदर भी कुछ हाफ uh, डजन या वन डजन स्टूडेंट्स ऐसे लोग आए थे जिनको इंटर्नशिप से एनरोल किया गया था और वो लोग आरटीपी में भी आकर बैठकर ट्रेनिंग लेकर गए हैं तो दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड तो जो जिस आइडिया के आज मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं ये ऑलरेडी आइडिया नहीं है ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर लिया है तो आप किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं इमीडिएटली आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर सबसे नजदीक जो यूनिवर्सिटी है कॉलेजेस है उसकी लिस्ट आपको फिजिकली जाके निकालने की जरूरत नहीं है गूगल पर जाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करिए पूछिए विच आर द यूनिवर्सिटीज क्लोज टू माई लोकेशन टैप एंटर करने से बहुत बड़ा लिस्ट आपके सामने आएगा तो उस लिस्ट में से एक एक करके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालिए फोन लगाइए और उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और जाकर मिलिए दोस्तों दिस इज अ कॉन्सेप्ट अभी जो आपको कंपनी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है जैसे टाटा कंपनी की अगर हम बात करें इसी बेसिस पर टाटा ने अपनी एक परसेंट उनकी जो एम्प्लॉज हैं उसके अंदर एक प्रतिशत उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कोटा बना के रखा है तो टाटा कंपनी में निन्यानवे परसेंट नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं 1% इस प्रकार के इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स उनके साथ काम करने लगे हैं सो दिस इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय टाटा कंपनी इंडस वी आल्सो इज ऑलवेज अ वेरी वेरी कंपनी कंपनी सो ने स्टेप ऑलरेडी ले रखा है तो आपको इसका भी बेनिफिट लेना पड़ेगा चलिए कमिंग बैक टू द कॉम्पनसेशन प्लान कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर हम देख रहे थे कि वी आर स्टार स्टार टू स्टार फाइव इस प्रकार के अलग अलग रैंक्स अब देखिए इस कॉम्पेंसेशन प्लान को जब बनाया गया इसकी जो इंटेलिजेंस है वो आपको समझना पड़ेगा जैसे मैं रेगुलरली हर बार आपको ये रेफरेंस देता हूं कि रॉबर्ट क्योसकी का जो क्वारेंट है उसको आपको एज ए रोड मैप रखना पड़े वाई यू आर डूइंग इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस आप इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस के अंदर क्यों आए हैं क्योंकि आप अपने लाइफ में क्वारंट बदलना चाहते हैं सिंपल सा एक आंसर है लेकिन बहुत ही पावरफुल आंसर है जो क्वार्रंट आप यहां पर देख पा रहे हैं एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय इन्वेस्टर सो लेफ्ट क्वार्रंट से आप राइट right क्वारन में जाना चाहते हैं राइट right? तो ये क्वारंट जो है इसको आप एक रोड मैप बनाकर रखिए क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो डायरेक्ट सेलिंग में हैं हमारे साथ हैं इस कंपनी के साथ हैं लेकिन ये लोग शायद सोच रहे हैं कि ये इंडस विवा जो है ये एक गवर्नमेंट नौकरी की तरह राइट right? और इनका जो माइंडसेट है मुझे समझ में नहीं आता है ये लोग सोच रहे हैं कि मुझे आठ साल दस साल बीस साल पच्चीस साल एक गवर्नमेंट नौकरी की तरह इंडस विवा को करना चाहिए दोस्तों यदि आपकी भी यही सोच है तो आप बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है कारण यही है इंडस विवा इज अ प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट जिस प्लान के जरिए केवल तीन से पांच साल के अंदर आपको अपने ड्रीम्स जो है उसे अचीव कर लेना चाहिए और लाइफ में समय और पैसों का स्वतंत्रता यानी फ्रीडम टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको हासिल कर लेना चाहिए रॉबर्ट क्योसकी का कहना है किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो तीन से पांच साल उस कॉम्पनसेशन प्लान के जरिए आप आजाद हो सकते हैं आजादी पा सकते हैं जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम टाइम फ्रीडम जिस दिन इंसान पैसों को अचीव कर लेता है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेता है उसके साथ ही साथ दोस्तों उसके पास समय का भी स्वतंत्रता आ जाता है क्योंकि आप देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नौकरियों में अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं मैं मामूली लोगों की बात कर रहा हूं आम जनता जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं लगातार बारह मतलब आठ से दस घंटों की काम करते हैं सात दिनों का उनका पांच छह दिनों का हफ्तों का और मंथ महीने भर वो काम करते हैं जिंदगी भर काम करते रहते हैं पैसा थोड़ा सा कमा लेते हैं जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए काफी है और उनके पास ना पैसा बचता है अंत में ना उनके पास समय बचता है दोस्तों और ये दोनों चीज नौकरी में नामुमकिन है यह हमें पता रहना चाहिए और हम नौकरी को छोड़कर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर हम यदि डायरेक्ट सेलिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो जिंदगी भर किया जाए मैं चलिए मैं अपने एग्जांपल देता हूं मैंने 2014 में यह काम शुरू किया अब 2024 में अभी भी मैं आपको में सात साढ़े सात बजे यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं अब ये दस साल में मेरे साथ क्या हुआ ग्यारह साल में साल के अंदर पहले जो तीन साल ट्वेंटी फिफ्टीन एंड सिक्सटीन तीन साल कड़ी मेहनत किया बहुत बहुत ज्यादा मेहनत किया मैंने फिजिकली मेंटली इमोशनली और तीन साल के बाद मैं इस बिजनेस से लगातार ढाई लाख हफ्ते में कमाना शुरू कर लिया पिछले आठ साल से लगभग लगभग करीब करीब आठ साल से एवरी वीक टू पॉइंट फाइव लाख यानी दोस्तों दस लाख मंथली पैकेज में मैं पहुंच गया मैं सिर्फ नहीं मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी हैं जो आज ढाई लाख कमा रहे हैं वीकली आप देख सकते हैं ऑल ऑल इंडिया की जो डायमंड्स लिस्ट है उसके अंदर टॉपर नंबर पोजीशन पर जो है वो भी मेरी टीम से है मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं एक चीज जो मैं कर रहा हूं और जो मैं सिखा रहा हूं आपको भी वही करने के लिए मैं कह रहा हूं तो वीकली टू पॉइंट फाइव लाख पिछले सा, मतलब सात आठ साल से लगातार इस बिजनेस से मैं कमा रहा हूं मंथली टेन लाख पैकेज दोस्तों अगर इंसान दस लाख भी कमा लेता है आपको पता ही है खर्चा कितना होता है दस लाख कमा भी लिया मुश्किल से एक लाख खर्चा होता है मान लो दो लाख थोड़ा लग्जूरियस लाइफ है तीन लाख बाकी सात लाख क्या करेंगे वो तो हम इन्वेस्ट करते रहेंगे कुछ रियल एस्टेट में या म्यूचुअल uh, फंड में या गोल्ड uh, में या स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करते रहते हैं लेकिन बात यही है दोस्तों ये काम जो है ये करते 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 मैं आज आपके सामने रिटायर्ड हूं टायर्ड नहीं रिटायर्ड रिटायर्ड अब देखिए और टायर्ड में फर्क होता है अंतर रिटायर्ड मतलब मैं आजाद हो चुका हूं अर्ली रिटायरमेंट जिसकी हम लोग आरटीपी में स्लाइड्स में बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम टाइम फ्रीडम अर्ली रिटायरमेंट ये सब कुछ मैं अचीव कर चुका हूं तो मैं अब मुक्त हूं मैं चाहे तो सुबह से रात तक अपना फोन बंद करके कहीं ना कहीं अपने फैमिली को लेकर एक दिन के लिए एक हफ्ते के लिए एक महीने के लिए भी मैं जा सकता हूं मेरा इनकम जो है वो कभी ब्रेक नहीं होगा वो पाइपलाइन जो मैंने बिल्ड किया उसके जरिए मैं पैसा लगातार कमा रहा हूं इंडस विवा पाइपलाइन से और एक तरफ टाइम फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे मैंने कहा था दस लाख वीकली है तो लेकिन आज की तारीख में इंडस विवा से मेरा मंथली इनकम है इन बिटवीन पैंतीस से चालीस लाख के बीच मंथली मैं कमा रहा हूं लेकिन मैं ये ढाई लाख जो है सभी लोगों का जो ड्रीम होता है ना वीकली ढाई लाख पैकेज टीम बोनस मैं आपको समझाऊंगा ये ये आने वाले ड्योल टीम बोनस जो है ढाई लाख वीकली ये एक पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए और हमें ये मेलोड्रामा के जिंदगी से बाहर निकलना मेलोड्रामा क्या होता है राइट तो जिंदगी भर पैसों के लिए दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो पता ही नहीं चला कब जिंदगी खर्च कर लिया पैसा में खत्म हो गया राइट ऐसे सिचुएशन आपके साथ नहीं आना चाहिए तो संकल्प लीजिए आज आपका जो भी पास्ट रहा मैं उसे मतलब उसको छेड़ना नहीं चाहता हूं, छोड़ दीजिए उसे आप पास्ट को कभी बदल नहीं सकते हां यदि आज एक संकल्प आपने लिया चलो भाई आज तक जो इंडस्ट्री में कमाया जो गवाया जो सीखा गवाया मतलब जो अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज आपने मिस किया जो काम करने का आपने मिस किया वो सब रहने दीजिए आज एक संकल्प लीजिए मैं आप सभी लोगों यहाँ पर जो 500 मित्र हमारे बीच में उपस्थित हैं यहां पर आप सभी लोगों को आज फ्राइडे द डेट टुडे टुडे इज फोर्थ इफ एम नॉट रॉन्ग राइट यस द फोर्थ अक्टूबर चार अक्टूबर 2024 सुबह सात बजकर पैंतीस मिनट पर मैं आपको एक संकल्प लेने के लिए कह रहा हूं और यह संकल्प यह है अगला थाउजेंड डेज की मिशन आगे एक हजार दिवस की एक संकल्प है मैंने लिया है एक एक निर्णय लिया है कि मैं अपने आप को अपने परिवार को और अपनों को गरीबी या मिडिल क्लास लाइफ से बाहर लाऊंगा उन्हें मुक्त करूंगा गरीबी से और उसका जरिया है इंडस विवा कॉम्पनसेशन प्लान यह आपका संकल्प होना चाहिए देखिए दोस्तों मेरे मेंटर जो श्री एडवोकेट अभिलाष थॉमस जी होते हैं हमारे जो रिस्पेक्टेड सीईओ हैं, वो कहते हैं If the why is strong, the how does not matter. If the why is clear, the how does not matter. अगर आपके अंदर why यानी कारण इस business को करने का वजह reason अगर strong है यू आर ए वेरी डेंजरस पर्सन आप बहुत ही भयंकर एक खतरनाक इंसान बनेंगे जब आपके अंदर एक वजूद है एक वजह है रीजन है मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया दोस्तों मैं बता रहा चाहूंगा आपको आई हैड लॉट ऑफ लॉट ऑफ रीजन बहुत सारे रीजनस थे मेरे लाइफ में जैसे मैं आपको पता हमेशा आपके साथ में शेयर करता हूं आई बिलोंग टू अडिल क्लास फैमिली सिंगल मदर बहुत ही एक स्ट्रगलिंग फैमिली तो बचपन से मैं इंतजार में था कि मैं कैसे भी करके अपने परिवार को इस गरीबी से इस मिडिल क्लास जिंदगी से मुक्त करूं और वैसे ही जैसे मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट करने लगा वो कहते हैं ना द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर अपीयर्स जब स्टूडेंट तैयार होता है तो गुरु उसके सामने प्रत्यक्ष होते हैं उनके सामने आ जाते हैं तो मैं तो तैयार था तो पढ़ाई वैसे जैसे ही मैंने कंप्लीट किया तो मेरे सामने आ गए मेरे गुरु अभिलाष जी जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और उनके गाइडेंस पर मैं चलना शुरू किया तो आई वॉज हंग्री फॉर सक्सेस आज आप लोगों से एक ही सवाल है सुबह की सात बजकर पैंतीस मिनट जैसे से, सेवन थर्टी एट अड़तीस मिनट पर सवाल यही है कि आपके अंदर भूख कितना बाकी है अगर आपके अंदर भूख नहीं है तो दोस्तों इस बिजनेस में आप कैसे आगे बढ़ोगे तो मैं इंडिया को जब देखता हूं जैसे आई वॉज इन गुवाहाटी उससे पहले हैदराबाद गया था उससे पहले बैंगलोर गया था उससे पहले जयपुर गया था उससे पहले दिल्ली गया था पंजाब गया था सो so, इंडिया जब मैं ट्रैवल करता हूं फ्लाइट में कभी कभी ट्रेन में जाता हूं कभी कभी लोकल मार्केट में बाजार में जाकर देखता हूं चारों तरफ मुझे सोना ही सोना दिखता है आप ये मत सोचिए कि सर यह क्या शोरूम है क्या आपको सोना दिखता है हर जगह पे दोस्तों आई सी गोल्ड एवरीवेयर मुझे सोना दिखता है इसका मतलब ये नहीं कि ये शोरूम वालों ने पूरा अपना दुकान सड़क पर खोल के रखा है सोना ही सोना मतलब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसके अंदर पॉपुलेशन इतना ज्यादा है 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 90 परसेंट प्लस पीपल पैसों की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और दोस्तों मेरे हाथों में ऐसा एक अस्त्र है कि ये जो नब्बे या उससे ज्यादा परसेंटेज 90, नाइनटी फाइव परसेंट लोग जो मार्केट में मुझे मिलते हैं इन लोगों की जिंदगी एक काली कागज और एक कलाम एक पेन इससे मैं लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं ए वाइट शीट एंड अ पेपर और मेरे सामने 140 करोड़ की आबादी मार्केट में जब दिखते हैं इसी को तो कहते हैं सोना ही सोना है राइट right? इट्स हाँ, आप जाकर लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं आप बहानाबाजी भान, के पीछे लगे हुए हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है लेकिन दोस्तों सच तो यही है 140 करोड़ की आबादी की देश में आप जी रहे हैं और उससे 95 परसेंटेज प्लस लोग आज पैसों की मुसीबतों से मुश्किल से उनकी लाइफ जो है उसे काट रहे हैं हाँ सर मैं जब लोगों को यह समझाने की प्रयास करता हूं तो लोग हंस पड़ते हैं मुझ पर हाँ यार आपको क्या लगता है पहले दिन से आपको लाल चादर बिछा के वेलकम करेंगे <laughs> वो तो जिस दिन आप अपने संकल्प को पूरा कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव डायमंड बनते हैं तब जाकर इंडस विभाग के कॉर्पोरेट ऑफिस में रेड कार्पेट बिछा के आपको वेलकम करेंगे हां मैं भी आपको लम्बोनी लेके आके आपको रेस्पेक्टफुली घुमाऊंगा उसमें एक बार लेकिन शुरुआत में तो मार्केट हमेशा बिजनेसमैन एंटरप्रेनर जो भी हैं उन्हें लात मारती है याद रखिए कोई भी मार्केट किसी भी एंटरप्रेनर को पहले दिन में स्वीकार नहीं करती है द मार्केट विल नॉट एक्सेप्ट यू लोग आपको ऐसी वैसी बातें समझाएंगे तू तो पागल है ये सब नहीं होता है नामुमकिन है तूने क्या कर लिया तेरा कितना इनकम हो गया ये सारे सवाल लोग आपसे पूछेंगे दोस्तों याद रखिए रुकावट ही रास्ता है रुकावट ही रास्ता है जब लोग आपसे सवाल करेंगे और उस सवाल के जवाब देने काबिल नहीं बनेंगे आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं तो लोग आपको सवाल कर करके रोक रहे हैं इसका मतलब आप अपने आप को वहां पर जहां पर भी आपको रुकावट जो आपके सामने आने लगा वहां पर आप बैठ जाइए आप सोचिए कि मुझे और बेहतर क्या करना होगा ये तो सच है आज पूरे इंडिया में हाईकोर्ट ऑर्डर को अपने हाथों में लेकर ग्यारह साल पूरा किया हुआ एकमात्र मात्र एक कंपनी है इंडस विवा अब कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स को बताने के लिए सरकार ने हमें आदेश दिया है अब इससे क्या चाहिए दोस्तों आपको क्या लगता है सरकार आपको लोग लेकर आके आपके घर पे बिठाएंगे और कहेंगे दो इनको प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दोस्तों ये तो जंग है और अपनी जंग को खुद लड़ना पड़ेगा आपको बहानाबाजी अगर आप देने लगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे लाइफ में तो कॉम्पनसेशन प्लान इतना शक्तिदायक हो गया आज मैं मार्केट में उस दिन मैं दिल्ली से पंजाब जा रहा था दो हफ्ते पहले जब मैं पंजाब जा रहा था वहां पर मैं देख रहा था एंटायर स्ट्रेच की पीपल 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 हर जगह पे आपको लोग ही लोग मिलते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में गया था फुल ऑफ पीपल दिल्ली मेट्रो फुल ऑफ पीपल और लोग नौकरियों में अटके हुए हैं तो मुझे तो सोना ही दिखता कितने लोगों को मैं जो देख रहा हूं वो अब दिखने लगा सब कम से कम महसूस होने लगा हाथ ऊपर करिए राइट यू शुड सी द गोल्ड माइन बाबा तो हर क्षेत्र में उस इंडस्ट्री के लोग सोना जो है उसे अपने आंखों से नहीं मन से देखना शुरू करते हैं जिसको हम कहते हैं इनसाइट आंखों से जो देखा जाता है उसे हम साइट कहते हैं और माइंड से जो देखा जाता है उसे हम विजन इन साइट कहते हैं हल्दी राम्स ने जब शुरू किया था उनको पता था भुजिया और सेब ये जो आलू भुजिया ये लोग खाते हैं और खाने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं तो आज वो हल्दीराम्स बिकनेर ये ब्रांड जो है इन्होंने लोगों को भुजिया खिला खिला के भाई साहब बिलेनेर बन गए हमारे यहां पर विशाल जैन जी और सुरभि जैन मैडम है जो राजस्थान से हैं बिकनेर से उनसे पूछिए कितना बड़ा ब्रांड बन गया आज हल्दीराम्स और बिकनेर का जो ये ब्रांड है लोगों को आलू भुजिया खिला के ये लोग बिलेनर बन गए यार तो जब लोग आलू देख रहे थे उस कंपनी के मालिक जो हैं वो भुजिया सेव बना के आलू भुजिया लोगों को खिलाने की जो विजन उन्होंने देखा तो उनको चारों तरफ सोना ही सोना दिखा होगा तो आज बिकनेर वाला या हल्दीराम्स ये सारे ब्रांड्स बन गए यार आप मेरे साथ हैदराबाद आ जाइए दोस्तों हैदराबाद बहुत ही शानदार जगह है मैं आपको बता रहा हूं मेरा नेक्स्ट फोकस एरिया हैदराबाद है आप लोग भी हैदराबाद में बिजनेस डेवलप करना चाहेंगे तो कनेक्शन जो है उसको लगातार स्ट्रोंग बना के रखिए हैदराबाद गया था दोस्तों चाय बेच बेच के लोग बिलेनर बन गए वहां पर चाय ईरानी चाय कहते हैं उसे क्या है नीलोफर का ब्रांड आप देखिए गूगल पर जाकर चार मीनार देखने गया था वहां पर ओस्मानिया बिस्किट बेच बेच के वो लोग बन गए सो so दोस्तों इंडिया फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी हाँ मैं नहीं करना चाहता हूं भैया ये मेरा प्रॉब्लम है लेकिन है तो अपॉर्चुनिटी एक तरफ आपको ईश्वर ने ये जो इंडिया जैसे धरती पर जन्म दिया आपको आपका जन्म यहां पर हुआ है ये आपका इस मतलब सबसे बड़ा एक ब्लेसिंग है आपके लाइफ में आप इंडिया में आपका जन्म हुआ है चारों तरफ लोग ही लोग हैं और हमारे भाई साहब बैठे हैं कह रहे हैं कि सर जी मेरा लिस्ट खत्म हो गया बेटा तेरा लिस्ट खत्म नहीं हुआ तू खत्म होने वाला है राइट लिस्ट खत्म हो गया तो क्या जाओ चार मंदिर घूमो वहां पर साई बाबा मंदिर में प्रसाद विनियोग करते हैं तो वहां पर जाके वॉलेंटियर बनो कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप है जाकर वहां पर बैठो कहीं को, कोई पब्लिक सेवा कर रहे हैं, तो वहां पर जाओ जहां पर लोग हैं बीच में रहो अपनी आदतें अपने दिल जो है उसे स्वच्छ रखो तो लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे कितने लोग चाहिए हमें है? भाई लेफ्ट में एक बंदा राइट में एक बंदा जो आपके साथ संकल्प ले सकता है हाँ लोग बहुत मिलेंगे आपको जो संकल्प ले सकता है ये जो आइडिया है इंडस विवा का जो आइडिया है ये उसके खोपड़ी में बिठाने के प्रयास आप करिए जब उसके कोपड़ी में ये फिट हो जाता है लेफ्ट में एक बंदा राइट में एक बंदा जो कहता है कि सर जी चलो हम लोग कुछ करके दिखाएंगे तो हो गया संकल्प आप तीनों का आप तीनों को कोई रोक नहीं सकते और ये तीन जब मिलकर मार्केट में जाते हैं तो चार पांच और लोग इसी प्रकार संकल्प लेकर साथ आ जाते हैं वही कहते हैं ना कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम मिलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से कंधों मिलाइए आप मिलाने के लिए आपको अपना दिल स्वच्छ रखना पड़ेगा कोई कोई है हमारे बीच में बहुत ही टैलेंटेड है कहते हैं कि सर जी मेरे साथ तो कोई नहीं आ रहा है एक बार अपनी दिल को एक बार चेक करना अपने आप को प्योर स्वच्छ वो कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान वो तो बाहर की दुनिया की बात कर रहे हैं स्वच्छता दिल को स्वच्छ रखिए अपने संकल्प को ऐसे बना के रखिए दिल से सोचिए कि मुझे लोगों की सेवा करना है मुझे लोगों को साथ लेकर जाना है मुझे लोगों को कुछ अच्छा करना चाहिए और दोस्तों वो इंसान जिस इंसान के अंदर दूसरे इंसान के लिए ऊंची सोच होता है वो कभी कभी भगवान के सम्मान बराबर हो जाता है राइट तो मदर तेरे को लोग इतना क्यों चाहते हैं उनको इतना रेस्पेक्ट क्यों देते हैं बिकॉज शी डिड नॉट फाइट फॉर हर सेल्फ शी फॉट फॉर द पुअर एंड द डाउन कोलकाता मदर तेरेसा आज नहीं है लेकिन आज भी उनका नाम हम ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा काम करके दिया करके गया तो आप दिल से सोचिए मैं हमेशा यही सोचता हूं ये व्यवतान करने का जरूरत क्या है दोस्तों मैं तो आराम से सो सकता हूं लेकिन मैं सुबह उठकर पांच छह बजे तैयार होकर इस वेबतौन के लिए मैं तैयार हो जाता हूं मुझे पता है बहुत सारे मेरे साथी हैं जिनसे मैं वन टू वन मिल नहीं पाता हूं लेकिन वेबतौन में कम से कम मन की बात दिल की बात दिल की गहराइयों तक मैं जरूर पहुंचा सकता हूं तो दोस्तों पॉइंट यही है इंडस विवाह कॉम्पनसेशन प्लान आपके स्वतंत्रता के लिए आपको आजाद करने के लिए आपके हाथों में ईश्वर ने जो दिया है वो अस्त्र है ब्रह्मास्त्र है इसे सही तरीके से समझने की प्रयास करिए और लोगों को ये प्लान जो है ये समझाइए डेफिनेटली लोग आपके साथ आने वाले हैं तो संकल्प आज बनाने वाले हैं हम कि एक हजार दिवस की संकल्प है वन थाउजेंड डेज के अंदर मैं पैसों से और समय से समय की जो रिक्वायरमेंट है उससे मैं मुक्त होना चाहता फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड टाइम फ्रीडम जो है ये दोनों चीज फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम जो है ये दोनों चीज जो है उससे मैं हासिल करना चाहता हूं और इस बिजनेस के अंदर आज एक फाइनल पॉइंट बताकर आज की प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूंगा सक्सेस लाइक्स स्पीड सक्सेस लाइक्स स्पीड तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर तीन साल के अंदर डेज के अंदर आजाद नहीं बनते हैं। इसका मतलब आपके अंदर रीजन नहीं है क्योंकि जिस इंसान के अंदर रीजन है वो इंतजार कैसे कर सकता है दोस्तों 2014 2015 2016 में रात को ठीक से सो नहीं पा रहा था मैं क्योंकि मेरे अंदर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ करता था कि मैं उनसे जाके मिलू इनसे जाके मिलो उसको समझाऊं इसको बताओ इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रहे थे रात में ठीक से सो नहीं पा रहा था एंग्जाइटी बढ़ गया था एग्जाइटमेंट बढ़ गया था और तब मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक बात याद आया अरे सपना वो नहीं होता है जो आप सोने के बाद देखते हैं सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते सही बात है जिस आदमी के अंदर वो रीजन स्ट्रोंग रीजन है और उसका एक जरिया भी मिल गया है वो रात को चैन से सो कैसे सकता है अगर रात को भी आप वो चैन से सो रहा है तो शायद उसको अभी तक अक्कल नहीं आया तो सक्सेस लाउस स्पीड देरी मत करिए दोस्तों तीन साल के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर आप मतलब इसको फिनिश कर दीजिए हां मैं ग्यारवा साल आज भी बैठकर वेबतन में बात कर रहा हूं ये मैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों पैसा कुछ समय तक हमें सेटिस्फेक्शन देता है लेकिन जिंदगी भर जब लोगों को जब हम कुछ देते हैं सपोर्ट करते हैं वो हमें ज्यादा खुशी देती है आई फील वेरी वेरी हैप्पी जब आप लोग 500 सौ लोग देखिए एक भी बंदा हिल नहीं रहा यहां पर जैसे ही कोई आउट होता है तो कोई और वेटिंग रूम से अंदर घुसता है 500 लोगों का ये जो ये जो ये जो एक्साइटमेंट है आपके अंदर जो उत्साह है ना ये देखकर मुझे अच्छा लगता है हाँ 500 लोग सुबह मुझे सुनने आ रहे हैं यार चलो उनको थोड़ा आज क्लैरिटी देंगे तो सक्सेस लव स्पीड बहुत देरी मत करिए दोस्तों थ्री इयर्स आपके लिए काफी है इसको एक मिशन बना लीजिए इसको एक एक संकल्प बना लीजिए एक एक गोल लक्ष्य बना लीजिए तीन साल के अंदर यू मस्ट बी बड़ी फ्री फ्रॉम यू नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये दोनों चीज हासिल कर लीजिए और उसके बाद चैंपियन बनकर सेलिब्रिटी बनकर जिंदगी आप जी जीना शुरू करिए जैसे हमारे हीरक जी आज के जो होस्ट uh, uh, हैं हमारे साथ ये है एक साधारण परिवार से और आज ये एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड रैंक पर हैं किसी भी आ, समय ये एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड में जा सकते हैं और ये आज साधारण परिवार से होकर भी आज एक सेलिब्रिटी लाइफ जी रहे हैं जहां पर भी जाते हैं 100 200 300 लोग उन्हें वेलकम करने आते हैं ये अपनी मर्सिडीज बेंज में जाते हैं इनका रेगुलरली वन पॉइंट इनकम बनता है बहुत ही शानदार लाइफ अभी अभी रिसेंटली शादी हुई यंगस्टर है एज उनका मुश्किल से ट्वेंटी की प्रॉब्लम से मुक्त समय की आजादी उन्होंने हासिल कर लिया दिस इज वन एग्जाम्पल हमारे जितने भी डायमंड्स हैं जैसे केवल पाजी हैं पंजाब से प्रमोद प्रति जी हैं जो चंडीगढ़ से सूरज कांत जी हैं जितेश पंच जी हैं राइट right? सैयद फ्रांसिस हुसैन जी हरिप्रसाद बेकल जी हमारे जो रुद्रेश जी राइट right? बहुत सारे हमारे जो सुबाश जी गुरबेज दियोल जी ये सारे करोड़पति जो है उनकी लाइफ देखिए ये लोग मजे में जी रहे हैं आज खुशियों की जिंदगी उन्होंने अपनाया तो मैं आपको भी यही बात आज कहकर विदा लेना चाहूंगा कि सक्सेस लव्स स्पीड तो मैं आपको स्ट्रॉन्ग रीजन बता रहा हूं आपको कॉम्पनसेशन प्लान को क्यों सीरियसली लेना चाहिए जैसे मैंने आपको कहा था कि यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जैसे रैंक है और हर एक रैंक की क्राइटेरिया आप देख पा रहे हैं राइट right? ये सारी चीजें जरूर मैं आपको बताऊंगा लेकिन ये स्टेटमेंट देखिए दोस्तों ये स्टेटमेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखिए ये तो एकदम खतरनाक स्टेटमेंट है देर इज नो बेटर वे टू रीच द टॉप वन परसेंट ऑफ इंडिया अदर देन इंडसवीवा क्या बात है दोस्तों इसका स्क्रीन जरूर लेकर रखिए थ्री टू वन स्क्रीनशॉट हो गया चलिए अभी तक अगर स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया तो आपका स्पीड बहुत बेकार है आप कहीं पहुंचने वाले नहीं राइट right. तो कहां पर थे हम हां देर इज नो बेटर वे अदर देन इंडस विवाद टू रीच द वन परसेंट ऑफ इंडिया सो दोस्तों ये टॉपिक होगा हमारा अगला सेशन देर इज नो बेटर वे अदर देन इंडस विवाह इंडिया के एक प्रतिशत में जाने का अगर संकल्प है अगर आपके अंदर लक्ष्य है एक 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 ड्रीम आपके अंदर है, तो मैं आपको बता सकता हूं हाउ यू कैन बिकम द वन परसेंट ऑफ इंडिया राइट हाउ यू कैन रीच वन परसेंट इंडिया के एक परसेंट में आप जा पहुंचेंगे कैसे नेक्स्ट बताइन जरूर जल्दी आ जाइए क्योंकि आज पांच सौ लोग आज ये भर गया था हाउसफुल हो गया और लोग वेट कर रहे थे आपका संकल्प होना चाहिए बिकॉज वो एक अलग दुनिया है अलग लेवल की दुनिया है अलग लेवल की लाइफ और लाइफ स्टाइल जिंदगी है तो वहां पर हमें पहुंचना है तो इंडस विवा के जरिए हम कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों इंडिया की एक परसेंट में हम जा पहुंचेंगे थ्रू इंडस्ट्री वाला सो so, जैसे मैं हर तरफ सोना ही सोना देखता हूं मार्केट में आप भी सोना देखना शुरू कीजिए अगर आप सोना नहीं देख पा रहे हैं तो शायद आपकी आंखें अभी तक खुली नहीं है मैं ये जो दोनों आंखें हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं इनसाइट मन की आंख जो है उसकी बात करो अगर आपको लगता है कि चारों तरफ लोग नेगेटिव हैं लोग मेरी बात नहीं सुन रहे यही आप आपके दिमाग में ये आवाज जो है अगर गूंज रहा है तो ये गलत है इसे हटाइए बेकार की सोच है ये उल्टा आप अंदर इंस्टॉल करिए सोना ही सोना है हर तरफ सोना ही सोना है राइट right? तो इसी सोच के साथ मार्केट में जाइए आपको मिलेंगे ढेर सारे लोग हां हर कोई आपके साथ संकल्प लेकर खड़ा नहीं होगा लेकिन तलाशी तो आपको जारी रखना पड़ेगा राइट में एक बंदा लेफ्ट में एक बंदा जिस दिन संकल्प ले लिया आपके साथ तो मान लो बात बन गई और आप बनेंगे इंडिया के एक परसेंट थ्रू इंडस वीवा सेवन इज सेवन तो तीन मिनट का मुनाफा आपके लिए आज मैं दिया ताकि मार्केट में जाकर बाजार में जाकर आप सोने की तलाश जरूर करें तो दोस्तों फ्राइडे फ्राइडे एक ऐसा दिन है जिस दिन हमें याद दिलाया जाता है कि हम कर क्या रहे हैं इंडस्ट्री वाले। तो अपने इनकम्स को बेहतर बनाइए इस वीक और किसी भी वीक आपका इनकम छूटना नहीं चाहिए ब्रेक नहीं होना चाहिए एवरी वीक वन इनकम मेरा 556 वीक्स इनकम बना इस वीक में भी मेरा इनकम बन रहा है मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों सोमवार सुबह उठकर जब मैं लॉग इन करता हूं मैं अपने आईडी को सीलिंग में पाता हूं सोमवार को सुबह जब आईडी कैपिंग में होता है मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार क्या करेंगे यार बस लोगों के साथ कुछ ऐसे वक्त बिताएंगे तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बनता है तो मंडे मॉर्निंग आईडी कैपिंग में कैसे पाना है इंडिया के वन परसेंट में कैसे जाना है चलिए जानते हैं कमिंग वीक एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू